हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट। तो दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति आपके लिए एक फिर से नई वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम वॉइस को समझ लेते हैं, ये होता क्या है, क्या मेन खेल है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। देख लीजिए, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप बहुत आसानी से जब एग्जाम्पल कराऊंगा इसके, तो दो सेकेंड के अंदर आप पहचान लोगे इसमें एरर क्या आ रही है। ठीक है, तो अब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक, इसको बोलते हैं हिंदी में कृत्य। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक्टिव और पैसिव वॉइस, समझ लीजिए बात को। कृत्यवाच मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच। ठीक, वॉइस का अर्थ होता है वाच। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो समझ लेते हैं वॉइस क्या होता है, वॉच क्या होता है। वॉइस क्या होता है, ठीक है, वॉइस समझ लेते हैं। वॉइस वो होता है या करता कोई काम करता है, सब्जेक्ट इज डूइंग अ वर्क या सब्जेक्ट पर कोई कार्य किया जाता है। बात तो समझिए, या तो करता कोई काम करेंगे या तो सब्जेक्ट इज डूइंग अ वर्क या ऑब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट में कोई वर्क किया जा रहा होगा, तो इसको बोलते हैं वॉच। ठीक है, इसी के दो टाइप हो गए एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस किस फॉर्म में आपको मिलेगा, सीधा समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस का जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो इस तरह से होता है। देखा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट मिल जाएगा प्लस वर्ब मिल जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसी फॉर्मूले से हम इसको डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, फॉर्मूले से ही समझेंगे, अगर हम लिटरेचर पे समझेंगे तो बहुत कठिनाई होगी हमको समझने में। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से समझेंगे। व्हेन द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट किसी क्रिया द्वारा किसी कर्म पर कोई कार्य करता है। ठीक है, जब कोई सब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट इज डूइंग ऑन द वर्क, जब कोई क्रिया करता है किसी कर्म पर, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं एक्टिव वॉइस। समझ में आ रहा है, जब कोई करता किसी क्रिया द्वारा ऑब्जेक्ट में वर्क करता है तो उसको क्या बोलते हैं एक्टिव वॉइस। बात समझ में आ रही है, जब कोई सब्जेक्ट, ध्यान से सुन लो दोस्तों, जब कोई सब्जेक्ट किसी क्रिया द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है तो इसको क्या बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अब समझ लेते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा फॉर्मूले को। पैसिव वॉइस क्या होता है, राइटिंग समझ में आया तो बता देना, ठीक है, बहुत गंदी है बता। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होता है देख लेते हैं, आज आप पैसिव वॉइस को देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, याद रखना, जनरल फॉर्मूला जो होता है जी एम मतलब गर्लफ्रेंड, समझिएगा गर्लफ्रेंड मतलब क्या होती है, इसकी गर्लफ्रेंड होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसकी गर्लफ्रेंड क्या होती है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की क्या हो जाएगी हमेशा, जब ये पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमने क्या बताया था, वॉच में ही समझा दिया, तो वॉच से ही समझ में आना चाहिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। जब करता कोई काम करता है तो हो जाता है एक्टिव वॉइस, जब कर्म में कोई करता काम करता है, मतलब कर्ता पर कोई काम करता है या कर्म पर कोई काम किया जाता है तो क्या कहलाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस हो गया ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट कर्म पर क्रिया द्वारा सब्जेक्ट द्वारा क्रिया की जा रही है, जो सब्जेक्ट द्वारा की जा रही है, बाई क्या है किसी के द्वारा की जा रही है, सब्जेक्ट द्वारा की जा रही है, तो क्या हो जाएगा ये कर्मवाच मतलब पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा, ठीक है, तो अब इसके देख लेते हैं किस टाइप के बनते हैं, आगे देख लेते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। समझ में आ
एग्रीगेटर की स्टैट होते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, यहां पे लिख लेते हैं हम एक्टिव, ठीक है। इधर लिख लीजिए पैसिव, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, ठीक है। किस तरह से बनेगा, जब कोई टाइम सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, ठीक, और सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, और अगर कोई मॉडल वर्ब यूज हो जाए, ठीक है, अगर कोई मॉडल वर्ब यूज हो जाए। बात समझिए, सिंपल प्रेजेंट में क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस में क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, मतलब हेल्पिंग वर्ब, इस तरह से देख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस में जो भी डिक्टेशन मिलेगी इस टाइप की मिलेगी, जो भी सेंटेंस मिलेगा इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अब इसको जब पैसिव में चेंज करते हैं, हमेशा जब सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा तो कॉन्टिन्यूअस में जाके चेंज होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, और इज एम आर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब हो गई इसकी, प्लस जो भी वर्ब हो, वर्ब क्या यूज करते हैं हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जनरल फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग दे दीजिए, जो हमने पैसिव वॉइस का जनरल फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस हमने लगाया था हेल्पिंग वर्ब, प्लस लगाया था उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस लगाया था सब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से हमने इसका सिंपल प्रेजेंट का हमने एक्टिव बना दिया, एक्टिव से पैसिव बनाया, इसी तरह से हम सिंपल पास्ट कर रहे हैं। सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना सबको, क्लियर होना चाहिए बात। देखो सिंपल प्रेजेंट बन गया, सिंपल पास्ट बन गया, अब सिंपल फ्यूचर लेते थे, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ रहा है इसमें, तो इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, विल या शैल, विल बी या शैल बी, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी हमेशा, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो ये हो गया था, इसके बाद हम देख लेते हैं मॉडल, मॉडल तो मॉडल वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब आ जाएगी यहां पर तुम्हारी, ठीक है, मॉडल वर्ब आ जाएगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगी, ठीक है। एक्टिव वॉइस में तुम्हारा ये रहेगा और पैसिव वॉइस में ये रहेगा, ऑब्जेक्ट। इसको नोट कर लेना, नोट नहीं करोगे तो पता है क्या, भूल जाओ, सब दिमाग से गुजर जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, ठीक है, प्लस इसके बाद यूज कर लेंगे बी प्लस वर्ब की हमेशा क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, वर्ब की हमेशा क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अब इसको नोट कर लो, याद कर लो अच्छे से, ठीक है। इसके आगे हम कंटिन्यूअस वाली बताते हैं, ठीक है। तो
वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा ज्यादा, ठीक है। अपने दोस्तों तक कि एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज समझ में आ गया होगा, इसका कंटिन्यू होगा तो परफेक्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर।